السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما ندريك لعله يزكى. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال عز من قائل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هر شخص जिसने अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से हालत ईमान में मुलाकात की हो, चाहे वो जिंदगी भर के लिए हो, चाहे वो लम्हा भर के लिए हो, उस शख्स को एक खास मर्तबा, एक खास स्टेटस, एक खास शान मिल जाती है। शरीयत की इस्तेलाह में उस मर्तबा को शर्फ सहाबियत कहते हैं। बाज़ मुअर्रखीन के मुताबिक 1,40,000 और बाज़ के मुताबिक 1,20,000 के करीब ऐसे रूहों से कुदसिया हैं जिनको ये मुलाकात की सआदत मिली। वो सब के सब सहाबियत के मर्तबे पर फाइज हुए। उनमें से 10,000 के करीब वो थे जो मदीने मुनव्वरा में क़याम पज़ीर हुए, और बाकी वो थे जो आलम इस्लाम के अतराफ व अकनाफ में फैल गए। फिर उनमें से
कुछ वो थे जो मक्की दौर में अव्वली तौर पर मुसलमान हुए, उनका एक अपना मुकाम था, और कुछ वो थे जो मक्की दौर में चंद सालों के बाद मुसलमान हुए, उनका अपना मुकाम है। कुछ वो थे जो मदनी दौर में मुसलमान हुए, उनका अपना मुकाम है, और कुछ वो थे जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, उनका अपना मुकाम है। वो इजाफी मरातिब हैं, उनमें से कुछ बदरी हैं, कुछ बैत के रिजवान वाले हैं, कुछ अशरा मुबशरा, लेकिन शर्फ सहाबियत के हासिल करने के बाद फिर खिदमात के लिहाज से, सर्विसेज के लिहाज से, कबूल इस्लाम के लिहाज से, वक़्त अल्लाह के प्यारे नबी के साथ गुजारने के लिहाज से सहाबे किराम के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, और उसकी मुख्तलिफ सतहें और मुख्तलिफ उनके दराजात व मरातिब। अलबत्ता जिस शख्स को भी अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात नसीब हो गई, शर्फ़े सहाबियत का मरतबा उससे मिल गया, हत्ता के मुहद्दिसीन लिखते हैं कि लम्हा भर के लिए मुलाकात हुई, ईमान की हालत में हुई, तो उसे सहाबियत का वो शर्फ और एजाज मिल गया कि हर उस शख्स से मोहब्बत करना, उसको टूट के चाहना, उनकी इज्जत और नामूस पे कुर्बान हो जाना, उनके मनहज, उनकी जिंदगी, उनकी आदात और अतवार को अपनाना ईमान का हिस्सा हो गया। सहाबा से मोहब्बत किसी एक मत पे फिक्र का, किसी एक शख्स का मसला नहीं, ईमान का मसला है। ईमान का मसला खुद अल्लाह के नबी ने इसे बताया सही बुखारी में किताबुल ईमान के अंदर। इमाम बुखारी यह हदीस लेके आए कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इशाद फरमाया, आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार व आयतुन निफाक बुग्ज़ुल अंसार। अंसार सहाबा से मोहब्बत ईमान की अलामत है, और उनसे नफरत, बुग्स रखना मुनाफ़क़त की अलामत है। इसीलिए जितने भी आइम्मा असलाफ ने अकीदे की किताबें लिखी, इमाम लालकाई की एतिकाद व अहले सुन्ना, इमाम इब्ने मंदा की किताबुल ईमान, उसके बाद के मुहद्दिसीन की ईमान और अकीदे पर किताबें, सही बुखारी और इब्ने मंदा की किताबुल ईमान से लेकर इमाम तहावी की शरह अकीदा रास्तिया तक, और शेखुल इस्लाम शरह अकीदा तहाविया तक, और शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया की अकीदा वास्तिया तक, सब अकीदे की किताबें इस बात पे मुत्तफिक नजर आती हैं, हुब्बुहुम ईमान व एहसान, सहाबा से मोहब्बत न सिर्फ ईमान है बल्कि जिस कदर मोहब्बत बढ़ती जाएगी ईमान बढ़ता जाएगा, और एक लेवल आएगा कि इंसान दर्जे एहसान पे पहुंच जाए। व बुग्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाकुन व तुग़यान, और सहाबा का बुग्स कुफर भी है, मुनाफ़क़त भी है, और सरकशी और दीन से बगावत भी है। सिर्फ ईमान ही नहीं बल्कि इस हद तक ये ईमान का मर्तबा है कि इंशाअल्लाह हमारा ये अकीदा है कि जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और अल्लाह उसकी जिंदगी के सब गुनाहों को माफ कर देता है। इमाम अबू हस ने यह मसला बयान किया कि जो सहाबा से मोहब्बत करता है, जिंदगी में उसने शिरक न किया हो,
और जिंदगी में किसी सहाबी को उसने गाली न दी हो, सब सहाबा से उसने मोहब्बत की हो। इमाम हस ने कहा कि मुझे यकीन है कि अल्लाह उसकी जिंदगी के सब गुनाह माफ करवा देगा। उनके शगिर्दों ने पूछा इसकी दलील क्या है, यह दावा है या इसकी कोई दलील भी है? कुर्बान जाइए, ये कैसे अजीम लोग थे। इमाम अबू हफ्स ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी कि अल्लाह ने कहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अपने पैगंबर से अल्लाह ने कहा कि मेरी उम्मत, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझे फॉलो करो, मेरी इत्तेबा करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करेगा, जिंदगी भर के गुनाहों को माफ भी फरमा देगा। कहने लगे जिस तरह नमाज में अल्लाह के नबी की इत्तेबा है, रोजा रखना अल्लाह के नबी की इत्तेबा है और उससे गुनाह माफ होते हैं, जिस तरह से सदका और खैरात करना अल्लाह के नबी की इत्तेबा है, अल्लाह के नबी को अपने सहाबा से मोहब्बत थी, सहाबा से मोहब्बत करना अल्लाह के नबी की इत्तेबा है और इस इत्तेबा की वजह से अल्लाह इंसान की जिंदगी की सब खताओं को माफ करना देता है। इमाम अबू हफ्स के शागिर्द कहते हैं कि मैंने एक इलाके के अंदर इमाम अबू हफ्स के इस खूबसूरत इस्तिदलाल को 1000 मरतबा लोगों के सामने बयान किया और किसी इमाम ने, किसी सुनने वाले ने इस इस्तिदलाल की मुखालफत न कर सका, बल्कि सहाबा किराम से मोहब्बत इंसान को न सिर्फ ये के मर्तबा एहसान पर पहुंचाती है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। हमें अल्लाह से उम्मीद है अगर वो इस मोहब्बत में सच्चा है तो अल्लाह उसे जन्नत में पैगंबर और सहाबा का साथ नसीब कर देता है। सही बुखारी है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु छोटे सहाबी तो बड़े बड़े सहाबा का नाम लेके कहते हैं कि जिस दिन अल्लाह के पैगंबर ने ये बात कही अल मरु मा मन अहब्बा, इंसान कयामत के दिन उन्हीं के साथ होगा जिनसे उसे मोहब्बत होती है। जनाबे अनस कहते हैं सहाबा को किसी हदीस की इतनी खुशी ना हुई थी जितनी इस हदीस की खुशी हुई। इस हदीस को बयान करने के बाद कहते हैं ए अल्लाह तू गवाह हो जा, इन्नी उहिब्बुन नबिया व अबा बकर व उमर, ए अल्लाह मैं तेरे पैगंबर से मोहब्बत करता हूं, अबू बकर से मोहब्बत करता हूं, उमर से मोहब्बत करता हूं और इस मोहब्बत की वजह से उम्मीद रखता हूं कि तू मुझे जन्नत में उनका साथ दे देगा। वा इल्लम अअमल बि अअमालिहिम, अगरचे मेरे आमाल उनके दर्जे के नहीं हैं, उनकी सतह के नहीं हैं, उस मकाम के नहीं हैं कि मैं उनके दर्जे की जन्नत तक पहुंच सकूं, बल्कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत सलफ सालिहीन के मुताबिक ऐसा अजीम इस्लाम का एक आला किस्म का बाब है कि असलाफ के बारे में आता है कानू युअल्लिमून औलादहुम हुब्ब अबी बकर व उमर कमा युअल्लिमून सूरत मिन अल-कुरान। ताबीन आइम्मा किराम अपनी औलादों को, बेटों को, बेटियों को, पोतों को, नवासों को अपनी गोदों में बैठा के और कंधों में उठा के और उंगलियां पकड़ के चला चला के सहाबा की मोहब्बत का सबक ऐसे सिखाते थे जिस तरह से कुरान की सूरतें सिखाते थे। उनको समझाते थे बेटा ये सहाबा है, बेटा
अबू बकर का यह किरदार था, बेटा उमर फारूक का यह किरदार था, बेटा अशरे मुबशरा का यह किरदार था। मैं तो यहां तक उम्मीद रखता हूं एक अजीम इमाम के कौल को पढ़ के मुझे अजब खुशी भी हुई और अजब एहसास दिल के अंदर पैदा हुआ। इमाम सईद इब्ने मुसय्यब बहुत बड़े ताबी हैं, हजरत अबू हुरैरा के अजीज भी हैं, बड़े बड़े सहाबा से इनकी मुलाकात है। इनके शागिर्द इमाम जोहरी हैं, इमाम जोहरी मुहद्दिसीन के इमाम हैं। इमाम जोहरी ने इमाम सईद इब्ने मुसय्यब से पूछा कि सहाबा की मोहब्बत दीन में क्या दर्जा रखती है, तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया ने जो उस वक्त वो बताया वो आप इज्जत के साथ लिखने के काबिल है। कहा या जोहरी, ए मेरे शगिर्द जोहरी, याद रखना जिसने भी सहाबा से मोहब्बत की वह शहीद अली लाशरति बिल जन्ना, अशरे मुबशरा के लिए जन्नत का ईमान रखा और हजरत अली के मुर्तजा से भी मोहब्बत की और हजरत अमीर माविया से भी मोहब्बत की, चुन चुन के नाम लिए ताकि कोई सहाबी पीछे ना रह जाए। कहा जोहरी, जिसने सहाबा से मोहब्बत की, अशरे मुबशरा से मोहब्बत की, जनाब सय्यिदुना अली के मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की, जनाब सय्यिदुना अमीर माविया कातिबे वही रजी अल्लाह अन्हु उनसे भी मोहब्बत की, जिसकी सब सहाबा से मोहब्बत कामिल हो गई, इमाम सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं अर्जू अल्ला युनाकिशहुल्लाहुल हिसाब, मुझे उम्मीद है कि क्यामत के दिन अल्लाह उससे हिसाब लिए बगैर उसको जन्नत में दाखिल करेगा। सहाबा की मोहब्बत मामूली चीज नहीं होती है, इससे ईमान के सोते फूटते हैं। सच्ची मोहब्बत और सच्ची इत्तेबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इमाम बिशर अल-हाफी अपने वक्त के बहुत बड़े वली हैं। इमाम बिशर अल-हाफी ने जब तौबा की तो कुरान की इतनी मोहब्बत उम्र भर जूता ना पहना, क्यों? उनको तौबा की तौफीक बास तारीखी रिवायात के मुताबिक इस तरह से नसीब हुई थी कि राह चलते हुए यूं एक मुकद्दस वरक के ऊपर पांव आ गया, जूता आ गया। कोई शरीयत का मसला नहीं है, शरीयत का हुक्म नहीं है, बस इंसान की अपनी फीलिंग्स होती है, उसके अपने इमोशंस होते हैं, वो दूसरों के लिए नहीं होते, उसके अपने एहसास होते हैं। तो कहता मेरे दिल के अंदर इतना कलब इतना इस्तराब हुआ कि मैंने उस वरक को पकड़ा, वरक को पकड़ के उसको धोया, धोने के बाद खुशबू लगाई और कुछ अरसे तक के लिए मैंने कहा अल्लाह तेरे कलाम का मुकद्दस पेपर मुझ जैसे गुनाहगार के पांव के नीचे आया, मैं इतने अरसे तक इस जुर्म के पादाश में खुद अपने ऊपर एक चीज आयद कर ली, जूता नहीं पहनूंगा। ख्वाब में इनके बारे में किसी को बताया गया कि बिशर को कह दो, ए बिशर तूने हमारे नाम का एहतराम किया है, हमने तुम्हारे लिए जन्नत में खुशबुओं का इंतजाम किया है। इमाम बिशर अल-हाफी से किसी ने पूछा आपकी जिंदगी में वो अमल कौन सा है जिससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है कि अल्लाह जन्नत देगा? अर्जा अमली, इमाम बिशर अल-हाफी रहिमहुल्लाह कहने लगे अगर मैं अपनी जिंदगी के आमाल पे गौर करता हूं तो सहाबा की मोहब्बत मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा अमल है जिस पे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है कि अल्लाह मुझे उनके साथ जन्नत नसीब फरमाएगा। इमाम बिशर अल-हाफी रहिमहुल्लाह रहमतुल्लाह से आए।
तो इसलिए सहाबे किराम की मोहब्बत को मामूली मसला नहीं समझा जाए, ये ईमान का मसला है, ये अकीदे का मसला है। और बिला तफरीक सहाबा से मोहब्बत, दर्जा बंदी तो उसमें हो सकती है, लेकिन जिस जिस को शर्फ सहाबियत मिल गया उससे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा करार पा गया। बल्कि एक रिवायत में तो अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से यह भी बयान किया गया है, मन अहब्बहु फबिबुग्ज़ी फबिहुब्बी अहब्बहु वमन अबग़ज़हु फबिबुग्ज़ी अबग़ज़हु। जो सहाबा से मोहब्बत करता है, आपने कहा मेरी उम्मत के लोगों, वो असल में मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मेरे साथियों से नफरत करता है वो असल में मुझसे नफरत करता है। इसीलिए सलफ सालिहीन कहते थे, मन लम युमिन बिन नबी मन लम युवक्किर असहाबन नबी, जो नबी के साथियों का एहतराम नहीं करता है, दर हकीकत वो खुद अल्लाह के नबी का एहतराम नहीं करता है, अल्लाह के पैगंबर का एहतराम नहीं करता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से बुग्स रखना, इसके बारे में तो पैगंबर इस्लाम ने कह दिया ना कि जो सहाबा किराम से बुग्स रखता है, आयतुन निफाक बुग्ज़ुल अंसार, ये उसके अंदर छुपे हुए मुनाफ़क़त की निशानी होती है, उसके दिल में ईमान नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से किसी भी सहाबी के बारे में, चाहे वो सहाबी अहले बैत में से हो, चाहे वो सहाबिया उम्मुल मोमिनीन में से हो, चाहे वो सहाबी छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई है तो जन्नत के शहजादे हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, जनाब अली के मुर्तज़ा के ये शहजादे और अल्लाह के पैगंबर के फूल और जन्नत के नौजवानों के सरदार, इनकी उम्र बचपन वाली थी, बचपन में थे, बमुश्किल 8 साल 7 साल के बच्चे थे, लेकिन अल्लाह के पैगंबर की मुलाकात इतना बड़ा एजाज है कि इनका आपके सीने से खेलना, आपके कंधों पे सवार होना, आपकी जुबाने मुबारक और होंठों पे बोसे देना और आपके घर के अंदर चलना और फिरना, हम उस शख्स के बारे में भी अकीदा रखते हैं कि जो इन सहाबा किराम से मोहब्बत नहीं करता है उसे नासबी कहा जाता है, वह अहले बैत से दिल में दुश्मनी रखता है, उसके अंदर भी कहीं कहीं बुग्ज़ छुपा हुआ है, कहीं मुनाफ़क़त छुपी हुई है। हालांकि उनकी उम्र पैगंबर की वफात के वक्त इतनी छोटी सी है कि हम बहुत बड़ी इस्लाम के लिए आपकी जिंदगी में इनकी खिदमत के हवाले से हमें वो सिलसिला नहीं नजर आएगा, बचपन की वजह से कि बदर में गए हूं, ओहद में गए हूं, ग़ज़वात में शिरकत हो, लेकिन पैगंबर के साथ निस्बत, आपके घर के अंदर रहना, आपके कंधों पे बैठना, अल्लाह के पैगंबर का यहां तक कह देना, जो चाहता है कि जन्नती देखे वो मेरे इन नवासों को देख ले, और आपका ये कह देना कि इनसे मोहब्बत, ए अल्लाह जो इन मेरे शहजादों से मोहब्बत करता है तू उनसे मोहब्बत फरमा, ये सारे फजाइल सहाबियत के साथ साथ आपकी निस्बत की वजह से सहाबा किराम को मिले हैं। इस वजह से चाहे वो चंद लम्हों की मुलाकात हो, चाहे वो चंद सातों की मुलाकात हो, चाहे वो उम्र भर की मुलाकात हो, चाहे वो चंद मिनट की मुलाकात हो, सहाबी सहाबी बन जाएगा, और जब वो सहाबी हो जाएगा, चाहे वो फतह मक्का के बाद वाले मुसलमान हो, बेशक उनका दर्जा वो नहीं होगा जो हिजरत और सबिकून अल अव्वलून का है, सबिकून अल अव्वलून वो सबसे आला मुकाम वाले बदरी सहाबा अपने एक मुकाम वाले और दीगर सहाबा अपनी शान वाले,
लेकिन बहरहाल सहाबियत के लिए मुलाकात होती है। आगे बढ़ते हैं इस मौजू के अगले हिस्से की तरफ और चंद बातों की तरफ मुख्तसरन मैं इशारा किए देता हूं कि सहाबा किराम की आखिर क्या खसूसियात है कि जिस वजह से दीन इस्लाम में उनकी मोहब्बत को यह मकाम हासिल है। सबसे पहली खसूसियत, सबसे पहली चीज मैं आपके जमीर पे दस्तक दे के पूछना चाहता हूं, हर उस मुसलमान से पूछना चाहता हूं जो कलिमा ए तय्यबा का इकरार करता है, अगर सहाबा से वो तारीख से निकाल दिया जाए तो आप इस्लामी तारीख कहां से शुरू करेंगे? कुरान मजीद कहां से लेंगे? हदीस कहां से लेंगे? दीन के मसादर मराजे कहां से लेंगे? यकीनी तौर पर जो शख्स भी सहाबा के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाएगा उसका ईमान कुरान पर से उठ जाएगा। सहाबा से मोहब्बत कुरान से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत पैगंबर इस्लाम की तालीमात और हदीस से मोहब्बत लाजिम मंजूम चीजें। इसीलिए अल्लाह ने सहाबा की सबसे बड़ी खसूसियत यह बयान की है कि वो पैगंबर के साथी हैं, पैगंबर के साथी हैं, माहू उनकी मैयत में रहने वाले। इस पर जरा तवज्जो कीजिएगा, किसी की रफाकत, किसी की सोहबत, इसके असरात पूरी दुनिया तस्लीम करती है। यह एक मुसलमा कायदा है पूरी दुनिया। आप अंदाजा यहां से कर सकते हैं कि हजरत मौलाना इस्माइल सलाफी रहिमहुल्लाह गुजरावाला में खुतबा जुमा इरशाद फरमाते और कुछ लोग यहां से उनके पीछे चल के जुमा पढ़ते। उन्होंने पूछा, आप लाहौर से चलते हो गुजरावाला आते हो, वजह क्या है? कहने लगे, मौलाना हम आपके पीछे जुमा पढ़ते हैं तो अगले हफ्ते तक हमारा ईमान ताजा रहता है, दिल में ताजगी सी महसूस होती रहती है। मौलाना इस्माइल सलफी रहमतुल्लाह ने कहा, तुम इतना लंबा सफर करके आते हो, लाहौर में वो गजनवी खानदान के वलीउल्लाह बुजुर्ग तुम्हारे पास हैं, तुम उनके भी चश्मा पढ़ के तो देखो और फिर मुझे आके बताना कैफियत क्या होती है। उन्होंने हजरत गजनवी रहमतुल्लाह के पीछे जुमा पढ़ा। मौलाना इस्माइल सलफी ने पूछा, बताओ आप क्या महसूस करते हो? कहने लगे, मौलाना गजनवी के पीछे जुमा पढ़ते हैं तो एक महीना तक ईमान ताजा रहता है, ताजगी महसूस होती रहती है। सैयद अब्दुल्ला गजनवी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, इनके बारे मेरे वालिद मोहतरम मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह ने मुझे बताया। कहने लगे, बेटा सैयद अब्दुल्ला गजनवी के पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग, खुद उनसे बुजुर्गों की मुलाकात थी। कहने लगे, उन्होंने मुझे बताया कि हमने सफर करके जो सैयद अब्दुल्ला गजनवी के पीछे एक नमाज पढ़ी थी, सारी जिंदगी गुजर गई है, आज तक उसकी लज्जत दिल से नहीं जाती है। काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, इनका दौर है और एक शख्स दीन इस्लाम पे इतराजात करता है, उसका नाम धर्मपाल है। वो एक स्कूल टीचर है, एक स्कॉलर भी है, एक राइटर भी है और एक मुसन्निफ भी है, और अपनी किताबों में पैगंबर इस्लाम पे कभी ये इतराज कभी वो इतराज, शुकूक व शुबहात की बौछाड़ कर रखी है। कोई उस एतराज के जवाब में गालियां दे रहा है, कोई अफवाह सुना रहा है, कोई धमकियां लगा रहा है, वो नौजवान दीन से और दूर जा रहा है।
काजी सलीमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह को पता चलता है, उसे खत लिखते हैं, मैं रास्ते पटियाला में बतौर जज तैनात हूं, आपको जो इश्कालात हैं मैं तहरीरन भी जवाब भेज रहा हूं, अगर मजीद तशफी चाहिए हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में क्याम भी करवाऊंगा, शुबहात का जवाब भी दूंगा, तुम्हारी मेजबानी भी करूंगा। धर्मपाल कहता है कि मैं काजी सुलेमान मंसूरपुरी के पास रियासत पटियाला में चला गया, एक हफ्ता मैंने उनके घर में क्याम किया, जो इल्मी तौर पे उन्होंने प्यास बुझाई वो अपनी जगह थी, लेकिन जब वो तहज्जुद के वक्त उठ के नमाज पढ़ते थे, मैं मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन उनके सजदे के वक्त मुझे उनके चेहरे पे जो नूर दिखाई देता था और उनके सजदे वाली जगह के ऊपर जो एक खास रूहानियत होती थी, उसने मेरे दिल की काया को पलट दिया और मैं कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गया। क्या ख्याल है जिस नबी के उम्मतियों का यह हाल है, उस नबी की सोहबतों का क्या हाल होगा। वल्लज़ीना मअहू, सहाबा की सबसे बड़ी खसूसियत जो उनके लिए एक ही काफी है, और इसीलिए हमारा ये ईमान है कि वो सहाबी जो 6-7 साल का बच्चा था, जिसे शूर था कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं, उसकी दीन के लिए सर्विसेज नहीं भी हैं, ईमान की हालत में उसने भी अगर अल्लाह के पैगंबर से मुलाकात रफाकत हासिल कर ली है, तो उसके ऊपर भी अल्लाह हमेशा के लिए राजी हो गया है। वल्लज़ीना मअहू, वो धर्मपाल चूंकि बड़ा स्कॉलर था, कहने लगा कि मैं साइंटिफिकली बड़ा गौर करता रहा कि वजह क्या है, ये काजी सुलेमान मंसूरपुरी की शख्सियत में क्या है जो मुझे अपनी तरफ इस तरह से खींच लेता है। कहने लगा मुझे यूं महसूस हुआ कि शायद इंसानी बॉडी के अंदर भी कोई ऐसा रेडिएशन का प्रोसेस होता है, कोई ऐसी लहरें, कोई ऐसी शुआएं, कोई ऐसी रेजिंग, कोई ऐसी किरणें फूटती हैं जो दूसरे को मुतासर करती हैं। वो गाजी महमूद कहता है फिर मैंने इस पर मजीद गौर किया तो मैंने महसूस किया कि अगर गुलाब का फूल दूर रहते हुए अपनी खुशबू से मेरे नाक और मशाम को मुअत्तर कर सकता है, अगर सूरज 9 करोड़ मील के फासले पर रहते हुए अपनी शाओं को खारिज करके मेरे जिस्म के अंदर टेम्परेचर और हरारत पैदा कर सकता है, तो आखिर इंसान तो इंसान है, इसके अंदर अल्लाह ने क्या तासीर रखी होगी। और जो इंसानी कामिल अल्लाह के प्यारे नबी हैं, उनके अंदर अल्लाह ने क्या तासीर रखी होगी। और अल्लाह ने तो अपने नबी को कहा ही सूरज है, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, वो शाहिद भी हैं, वो मुबशिर भी हैं, वो दाई इल्लाह भी हैं, वो सिराजम मुनीरा भी हैं। सहाबा की सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे आला, सबसे अजीम सिफत यही है कि उन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के पैगंबर की रफाकत और आपकी सोहबत इख्तियार किए, जोहरे असरे फजर इशा नमाजें आपके पीछे पढ़ी, आपके दस्ते मुबारक को बस किया, आपके सीने के साथ सीना चिमटाया, आपके पसीने को महफूज किया, आपने कुरान की तिलावतें की, वो कुरान जो पत्थर को मोम कर देता है, अल्लाह के पैगंबर की जुबान से जब सहाबा सुनते होंगे तो उनके ईमान की कैफियत क्या होती होगी। मैदान जिहाद में आपके साथ रहे और इस अंदाज में रहे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्ला और हजरत अमीर माविया दोनों ही अपने अपने दौर के खलीफा, अपने अपने दौर के हुक्मरान हैं। हजरत अमीर माविया का दौर कुछ परेशानियों में गुजरा, जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर वो भी परेशानियों में गुजरा, जनाब उस्मान गनी का दौर वो भी कुछ परेशानियों में गुजरा,
حضرت عمر ان فتنوں کے سامنے دروازے تھے. اس کے بعد کہ ادوار اکثر کچھ نہ کچھ پریشانی میں گزرے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا ہر طرف سکون، اطمینان، امن، چین، راحتیں، برکتیں. لوگ زکات لے کے نکلتے اور کوئی لینے والا نہ ہوتا. لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ عمر بن عبدالعزیز اتنا عظیم خلیفہ ہے، یہ افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ چلے گئے جناب عبداللہ ابن مبارک کے پاس. امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ مجاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، تاجر بھی تھے، سخی بھی تھے. ہر سال ایک سال حج پہ، ایک سال جہاد پہ زندگی کی ایسی روٹین بنی ہوئی تھی. سید التابعین تھے، اپنے دور کے فقیہ بھی تھے. ان سے جا کے پوچھا، ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہے. پوچھا کیا سوال ہے؟ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا، تم مجھ سے پوچھتے ہو عمر بن عبدالعزیز میں افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ اللہ کی قسم ہے، لغبار خرج من فرس معاویہ ودخل فی من خری انفی. وہ گردوں کو بھاگ جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھی، اور گھوڑے کے ٹاپ وہ جو اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں کسی بھی جہاد کے سفر میں شریک ہو کے انہوں نے آپ کی قیادت میں شرکت کی، اور اس سفر میں پیغمبر کی قیادت میں جو امیر معاویہ کی گھوڑوں کی ٹاپ سے گرد و غبار اٹھ کے ان کے ناک کے نتنوں میں گئی، وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہزاروں گنا افضل ہے. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے کہا، کیوں کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ ہم کسی کا موازنہ نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کسی کو کمپیئر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے تو اس حد تک امت کو اپنے صحابہ کے بارے میں وارننگ دی اور متنبہ کیا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو خاموش رکھا کرو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا کرو. آخری پیغام دے کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، امت آج پریشانیوں میں ہے، امت آج غموں میں ہے، امت آج تقسیم ہے. ہمارے سینے چھلنی ہیں اور ہمارے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہیں. امت کے بچے یتیم ہیں اور امت کی بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اس امت کو تقسیم نہ کرو، اس امت کو تقسیم نہ کرو. صحابہ کے اختلافات جو شخص بھی بیان کرتا ہے برسر عوام اور ان کو اچھالتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی دین کے خلاف بغض پایا جاتا ہے. وہ اس امت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. نہ یہاں مدعی ہے نہ مدعا علیہ ہے، نہ دعویٰ کرنے سے کوئی فیصلہ ہو جانا ہے، نہ کوئی اس طرح کے معاملات سے سابقہ دور واپس آ جانا ہے. کیسے احمق اور عقل سے فارغ ہیں وہ لوگ جو 1400 سال کے پہلے کے معاملات کو امت کے سامنے اچھال اچھال کے آج امت کو تقسیم کر رہے ہیں. تقسیم نہ کریں، امت کو جمع کریں. امت جمع ہوگی اس رویے پہ، اس اصول پہ جمع ہوگی جو اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے اختلافی مسائل کو آپس میں ڈسکس کرنا ہی جائز نہیں ہے، ان کو اچھالنا ہی جائز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی میرے گھر میں میری ماں کا اور میرے باپ کا اختلاف ہو جائے تو کیا آپ مجھے سمجھدار کہیں گے؟ اگر میں پورے بازار میں ڈنڈورا پیٹتا رہوں میری ماں نے ایسے کیا، میرے باپ نے ہی زیادتی کی؟ نہیں، ان کا آپس کا رشتہ بیاں بیوی کا ہے، وہ آپس میں الجھے تو ان کا مسئلہ ہے. انسان ہونے کے ناطے ان میں تو مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن میں مجھے کیا
इस बात की इजाजत है और अखलाकियात का कौन सा चैप्टर है जो मुझे इजाजत देता है कि मैं उनके लेवल पे आके उनके बारे में तबसरे करूं। मेरे लिए तो एक माँ है, एक बाप है, मैं जाऊं तो किधर जाऊं। सहाबा के इख्तिलाफात को हवा ना बनाए, उनके मुशाजरात को डिस्कस ना करें, उनको पब्लिक ना करें और इस तरह से इस उम्मत को तकसीम ना करें। अल्लाह के नबी ने यह उसूल बयान कर दिया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़ंसिहू, मेरे सहाबा की बात हो तो अपनी जुबानों को कंट्रोल कर लिया करो, इनको चुप का ताला लगा लिया करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, हसनैन करीमैन की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, पैगंबर की चारों बेटियों की मोहब्बत नसीब फरमाए, आपके सब दमादों की मोहब्बत नसीब फरमाए, आपकी तमाम अजवाज और उम्महातुल मोमिनीन की मोहब्बत नसीब फरमाए, आपके जन्नत के शहजादों हसनैन करीमैन की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अशरा मुबशरा की मोहब्बत नसीब फरमाए, बदरी सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए, जिनके तस्करों से कुरान भरा है, अल्लाह हमें उनकी सच्ची मोहब्बत भी नसीब फरमाए और जन्नत में उनके साथ उनके कदमों में जगह नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين। मेरे वालदे गिरामी अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, एक दफा मुझे बिठा के कहने लगे बेटा अल्लाह की तकसीम होती है, सात आसमान अल्लाह खुद खड़े कर देता है और सातों ज़मीनें वो खुद बिछा देता है और चांद सूरज सितारे इनका निज़ाम वो खुद चला देता है। जो इतनी ताकतों वाला अल्लाह है, जब उसका घर बनाने की बारी आती है तो अल्लाह अपने बंदों से कहता है कि खुद बनाओ। मुझे बहुत खुशी हुई है, पहले ये छोटी सी मस्जिद होती थी, आज माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह के इन घरों से मोहब्बत होनी चाहिए, इनमें आना, इनमें बैठना, इनकी तरफ आने के भी हर कदम के बदले में नेकी मिलती है और अल्लाह गुनाह माफ़ फरमाता है और वापस जाते हुए भी अल्लाह नेकी भी देता है कदम कदम पर और गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। जितनी मर्तबा इंसान अल्लाह के घर में आता है उतनी मर्तबा अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक खास दावत का इंतजाम करते हैं। अल्लाह आप लोगों की ये मेहनत कबूल फरमाए, इंतजामिया की मेहनत कबूल फरमाए, उनके साथ जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी मोहब्बतें अल्लाह कबूल फरमाए। हम चले जाएंगे दुनिया से, ये हमारी खूबसूरत यादें इंशाल्लाह रह जाएंगी। जिन जिन ने इस मस्जिद में जैसे जहाँ हिस्सा डाला है, जो डाल रहे हैं, जो डालेंगे और डाल सकते हैं, अल्लाह उनके लिए इस मस्जिद की एक एक इंच को सदका जारिया बनाए। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما